हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी और यूनिक सी रेसिपी की वीडियो लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे होममेड प्रोटीन पाउडर। तो आज हम घर में ही बनाएंगे प्रोटीन पाउडर, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें यूज़ करके, और वो बहुत अमेजिंग होगा क्योंकि वो सब चीज़ें जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो प्रोटीन का बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही अमेजिंग सोर्स है, और सारी की सारी चीज़ें हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं, उसी से हम बनाएंगे अपना प्रोटीन पाउडर। तो गाइज, सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपना प्रोटीन पाउडर किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लिया है। 1/4 कप आमंड्स ले रही हूँ यानी बादाम, इसको डाल दूंगी पैन में। 1/4 कप पिस्ता ले लिया है, पिस्ताचियो, इसको भी डाल दिया है पैन में। अब मैंने 1/4 कप वॉलनट्स लिए हैं, अखरोट, इसको भी पैन में डाल देंगे। और अब मैं ले रही हूँ पीनट्स यानी कि मूंगफली, 1/4 कप, इसको भी पैन में हम डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को हमें लो टू मीडियम हीट के ऊपर रोस्ट कर लेना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको मैं ठंडा करने के लिए साइड पर रख दूंगी। अब वही पैन मैंने दोबारा हीट कर लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पम्पकिन सीड्स। 1/4 कप मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स ले लिए हैं, अगर आपके पास मेलन सीड्स भी हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। अब इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, और जब हम प्रोटीन पाउडर बनाएं तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करे। अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दूंगी ताकि ये ठंडे हो जाएँ, और जब मुझे इनको ग्राइंड करना हो तो बहुत ईजिली ग्राइंड हो जाए। अब वही पैन मैंने वापस रख दिया है, उसे हीट करा है, और मैंने लिया है 1/4 कप ओट्स। यहाँ पे मैं इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ, आप रोल्ड ओट्स भी ले सकते हो। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करना है बहुत अच्छे से, और जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए और अच्छे से रोस्ट हो जाए तो मैं इसको भी प्लेट में निकाल कर साइड पर रख लूँगी ताकि ये भी अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। ये सब चीज़ें ठंडी हो गई हैं। सबसे पहले मैं ओट्स डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सीड्स जो हमने रोस्ट करे थे, इसको भी मैं डाल दूंगी जार में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नट्स हमारे, इसको भी मैं डाल दूंगी जार में। ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको पल्स ग्राइंड करेंगे, यानी रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे, एक साथ ग्राइंड नहीं करना, दो दो मिनट रुक कर हमने ग्राइंड करना है। तो ये बन गया है हमारा प्रोटीन पाउडर, बिल्कुल रेडी है इन जस्ट 2 मिनट्स। अगर आप इसको एक साथ ग्राइंड करेंगे ना तो ये सारा का सारा जो है ऑयल छोड़ देगा और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, और अगर आप इसको रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे तो ये ऐसा अमेजिंग पाउडर बन के आएगा। हाफ इसमें से मैंने प्लेन रखा है और हाफ के अंदर मैं मिला रही हूँ अपना कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये, और इसके बाद मैं इसे दोबारा एक बार मिक्सर में पल्स ग्राइंड कर दूंगी। तो ये मैंने कर दिया है और बहुत अच्छे से हमारा जो चॉकलेट पाउडर है वो हमारे प्रोटीन पाउडर के साथ मिक्स हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। तो अब हाफ का मैंने बनाया है प्लेन प्रोटीन पाउडर, और इसके अंदर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और हाफ के अंदर मैंने डाला है कोको पाउडर, और ये हमारा चॉकलेट प्रोटीन पाउडर बना है। दो टाइप के प्रोटीन पाउडर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अब इसको मैं स्टोर कर दूंगी। एक ये मेरे पास ग्लास जार है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्लेन प्रोटीन पाउडर है, इसके अंदर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। अब इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी इस जार के अंदर, और आप इसको बहुत आराम से 15 डेज टू 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और ये मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है इसके अंदर, वाइटामिन ई रिच है, आयरन और कैल्शियम में भरपूर है। अब ये हमारा चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, इसको भी मैं एक जार के अंदर स्टोर करके रख दूंगी, एंड इट इज़ गुड टू गो फॉर अराउंड 15 डेज टू 1 मंथ। आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो और इसको आप बहुत ईजिली 1 मंथ तक के लिए यूज कर सकते हो। 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन पाउडर हमारे रेडी हो गए हैं, जिसको मैंने 2 ग्लास जार में
स्पेशल करके रख दिया है और ये बहुत इजीली मेरे 1 month चल जाएंगे। और आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, अपने लंच में यूज़ कर सकते हैं और अपने डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगा और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगा। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको मिल्क में कैसे यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 cup मिल्क ले लिया है और ये 1 spoon प्लेन प्रोटीन पाउडर इलायची वाला मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। एंड दैट्स इट, ये हमारा प्रोटीन शेक बनके रेडी है। सेम इसी तरीके से 1 cup मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है और ये है हमारा चॉकलेट प्रोटीन पाउडर जिसको मैं 1 spoon इसमें डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एंड दैट्स इट, अगर आपने ये प्रोटीन पाउडर बनाकर रखा हुआ है अपने फ्रिज में तो 2 minutes में आपका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर रेडी हो सकता है। तो ये हमारे दोनों टाइप के प्रोटीन पाउडर आप जरूर ट्राई करो, आपको टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे, इसकी गारंटी है। साथ ही साथ आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसको आप जरूर ट्राई करिए। तो गाइज ये हमारा होममेड प्रोटीन पाउडर है ना, बहुत ज़्यादा क्विक और सिंपल और घर की चीज़ों से बन जाता है। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले प्रोटीन पाउडर जो है ना वो आप मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में अपने मिल्क के साथ ले सकते हो। तो 1 cup मिल्क में आपने 1 spoon ऐड किया, आपने ले लिया। या फिर अगर आप अपने लिए ओट्स पॉरेज बना रहे हो, बनाना ओट्स बना रहे हो या एप्पल ओट्स बना रहे हो तो आप उसके अंदर मिक्स करके इसको ले सकते हो। या आप मसाला ओट्स बना रहे हो आप उसमें भी मिक्स करके इसको ले सकते हो। चीला बना रहे हो, चीले के बैटर में मिक्स करके आप इसको ले सकते हो। तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ में आप ऐड करके इसको ले सकते हो। तो ये जो है बहुत ही अमेजिंग होममेड प्रोटीन पाउडर हमारा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है। प्रोटीन गाइज एक्चुअली एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें अपने डाइट में लेना होता है। हमारी बॉडी की एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन से ही बनी होती हैं। शुरू करते हैं हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा ब्लड, हमारे सेल्स, हमारे नेल्स, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हर चीज़ जो है वो प्रोटीन से ही बनी है। और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब प्रोटीन्स के थ्रू ही होते हैं। हमारी ग्रोथ, हमारा रिपेयर बॉडी का, हमारी मेंटेनेंस, हमारी बॉडी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ की, हमारा हॉर्मोन्स, हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे फंक्शंस भी जो हैं वो प्रोटीन के वजह से ही होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 2 type के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है और हमें बाहर से या खाने से लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती और वो हमें बाहर के सोर्सेज से या खाने से लेने होते हैं। तो प्रोटीन के ना 2 sources होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। अब एनिमल सोर्स के जो प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, यानी कि उसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गए, चिकन, फिश, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं और ये इनमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब यहीं पर जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ये होते हैं जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, पीनट्स हो गए, दालें हो गई, किनुआ हो गया या सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आती हैं। तो गाइज आई होप कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी मैं डाइट में आपको ये सारी चीज़ें देती रहती हूँ जो कि प्रोटीन रिच होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक बिल्कुल कंसोलिडेट फॉर्म में प्रोटीन पाउडर लेकर आती हूँ जो आप 1 spoon आप ले सकते हो और आपका प्रोटीन का जो पूरे दिन का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक उससे पूरा हो जाएगा। तो गाइज़ आज की अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को फटाफट से करिए सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी इनोवेटिव, यूनिक, हेल्पफुल रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस एंड फॉर गुड हेल्थ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ और लेकर आती हूँ बहुत सारे अमेजिंग डाइट प्लान्स जो आपको देते हैं बहुत अमेजिंग वेट लॉस। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल गाइज, बाय फॉर नाउ।